डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है, पर कभी कभी अगर ऑब्स्टिकल आ जाए, ऑब्स्टिकल जैसे कि एक स्क्रीन पड़ी हुई है और स्लिट है बीच में, हल्का सा होल है, होल में से जब लाइट पास करेगी तो क्या होगा, वो कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाती है, थोड़ा सा रास्ता डेविएट कर लेती है। हालांकि मेजर लाइट तो सामने जा रही है, पर थोड़ी सी लाइट में बेंडिंग आ जाती है, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ये होल और छोटा होगा तो आपको बहुत बढ़िया दिखेगी, आपकी लाइट ज़्यादा फैल जाएगी, ज़्यादा बेंड हो जाएगी, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब किसी ऑब्स्टिकल या किसी कॉर्नर से टकरा के लाइट का थोड़ा सा बेंड होना इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप सोचेंगे कि मतलब फिर हम क्या स्टडी करें इसमें, मैं लेजर लाइट लेके खड़ा हो जाता हूँ और मैं लोगों को ये दिखाऊंगा, देखो होल में से लेजर लाइट की काफ़ी लाइट तो सीधी चली गई, पर देखो थोड़ी सी ऊपर भी चली गई, ठीक है डन, मान गए आपने कहा ठीक है हो जाती होगी, फिर स्टडी क्या करना है इसमें, क्या स्टडी करें, कितने एंगल पर बेंड हो गई ना, ये नहीं स्टडी करना। जब कोई ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट, तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन ली, ये इंपॉर्टेंट है। उसने फिर से बंद कमरा कर लिया, अंधेरा कमरा कर लिया, बिल्कुल अंधेरा, IDSC की तरह लेजर लाइट इस बार दो स्लिट्स करने की बजाय सिर्फ एक स्लिट कर ली। जैसे ही उसने लाइट को इसमें से पास किया, बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट आ रहा था लेजर लाइट से, बिल्कुल सेम सीधा, लाइट बेंड हो गई। लाइट बेंड होके सामने जब स्क्रीन पे गिरी, गिरनी तो चाहिए थी लाइट ही लाइट, फिर से पैटर्न बन गया मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो गई, साइंटिस्ट कम्युनिटी तो कंफ्यूज ही होगी, हुआ क्या है, उस टाइम की बात है। वो ये सोच रहे हैं कि YDSC ने एक्सपेरिमेंट किया था, और चलो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी कि दो स्लिट्स हैं, दो वेव्स निकलती हैं, दोनों में क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे या क्रेस्ट ट्रफ पे गिरती है, तो इसलिए मैक्सिमा मिनिमा। यार ये नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर एक ही स्लिट है, फिर कैसे मैक्सिमा मिनिमा, बाहर से कौन सी लाइट आ गई, बाहर से कोई लाइट है ही नहीं, फिर कैसे पैटर्न बन गया, ये बात समझ में नहीं आई। लॉजिक है इस बात में, इसलिए कंफ्यूजिंग है, उसमें दिखता है, इसमें दिख नहीं रहा। तो मैं सीधी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये हुआ क्या इसके अंदर, ताकि बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर दिखें। इसके अंदर ऐसा हुआ, और ये क्यों बना इसका आंसर दे रहा हूँ मैं, ये इसका आंसर बेंडिंग ऑफ लाइट है। लाइट बेंड होने से क्या होता है मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले लाइट, ये एक स्लिट है, ये स्लिट बहुत छोटी है, प्लीज़ mm में है, पर सभी स्टूडेंट्स को दिखे तो मैंने इसको बड़ा बना दिया। तो ये एक स्लिट है, और लेट अस सपोज ये एक स्क्रीन है, ठीक है। हुआ क्या, लाइट का वेव फ्रंट आ रहा है, ये लाइट आई, सीधी चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, जैसे ही लाइट यहाँ पे आई, ऑब्स्टेकल देख रहे हो, इसका कॉर्नर आ गया। हालांकि लाइट का काफ़ी हिस्सा सीधा निकल गया, जो हिस्सा सीधा निकल गया देख रहे हो, ये सीधा निकल गया कुछ हिस्सा, और मान लो मैंने एक लेंस रख दिया ताकि लाइट फोकस हो जाए यहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि जो लाइट बिल्कुल सीधी चली गई वो बिल्कुल सेंटर पे जाके मिली, ये रहा सेंटर सी, मतलब जो लाइट का हिस्सा ऊपर से आ रहा है, मान लो एक वेव आ रही है, उसने क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, नीचे ने भी क्रेस्ट ही जनरेट किया, ताकि क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो है ही नहीं ना, अगर एक वेव ऊपर से है तो एक वेव नीचे से, तो पार्ट डिफरेंस जीरो था, तो यहां पर क्या जनरेट हुआ, मैक्सिमा, लाइट ही लाइट गिर गई, बात ही खत्म हो गई। लेकिन काफी लोगों ने यह सोचा कि यार दो वेव थोड़ी ना, यहां पर तो बहुत सारी वेव्स हैं, लाइट ही लाइट है ना। तो डिफ्रैक्शन की जो मेन, डिफ्रैक्शन का जो मेन पॉइंट है, जो आपको डिफ्रैक्शन को बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, वो ये पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि डिफ्रैक्शन के अंदर जो ये वेव फ्रंट है, लाइट का वेव फ्रंट है ये वाला, हम कहते हैं एक एक सोर्स है, हम क्या बोलते हैं, एक स्लिट है, बस एक ही स्लिट है। एक्चुअल में वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर ये वेव फ्रंट है तो यहां पर एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, एन मुझे पता नहीं कितने सोर्सेज हैं, जो फर्दर वेव फ्रंट जनरेट कर रहे हैं, फर्दर लाइट को जनरेट कर रहे हैं, ऐसी युक्ति थी थ्योरी। अब हुआ क्या, अगर ये एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं तो इस सोर्स ने लाइट जनरेट की, इसने भी 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 लाइट जनरेट की,
और अगर ऐसे 2 लाख सोर्सेज है, 2 लाख के 2 लाख ने लाइट जनरेट की। अब देखो कितनी जबरदस्त इमेजिनेशन है। तो कई लोग पूछते हैं और ये क्वेश्चन आता है कि इंटरफेरेंस में बोलो YDSE एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्सेज यूज किए जाते हैं। आंसर क्या है? 2 slits। डिफ्रैक्शन में लाइट के कितने सोर्सेज हैं? लोग बोलते हैं 1 slit। बिल्कुल गलत, n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। ये देखो n नंबर ऑफ सोर्सेज, ये तो इंटरफेरेंस से भी ऊपर टप गया। इंटरफेरेंस में कम से कम 2 तो थे, इसमें तो n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। तो हुआ क्या, n नंबर ऑफ सोर्सेज अपनी अपनी वेव जनरेट करे जा रहे हैं। और अगर मान लो एक वेव ऊपर और एक वेव नीचे ऐसे गिरी यहां पे कि एक ने क्रेस्ट घेरा, दूसरी ने भी क्रेस्ट घेरा, और अगली वेव ने क्रेस्ट, दूसरे ने भी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाली वेव ने भी क्रेस्ट घेरा, फिर इसने क्रेस्ट, इसने भी क्रेस्ट, तो ये पॉइंट किसका हो जाएगा? टोटल मैक्सिमा। अब पॉइंट ये आप कहोगे सर आपको, आप कैसे कह सकते हो मैक्सिमा, इसमें 2 लाख वेव में से मतलब 1 लाख ऐसे इंटरफेयर कर रही है? बिल्कुल ऐसी कर रही है। तो अगर ये पॉइंट मैक्सिमा का ऑब्जर्व किया गया तो 101% है यहां पर n नंबर ऑफ वेव में से आधी और आधी वेव ऐसे गिर रही हैं कि वो क्रेस्ट क्रेस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे गिरी जा रही हैं और मैक्सिमा जनरेट हो रहा है। अब ये बात YDSE में देखनी बड़ी जरूर मतलब आसान है। YDSE में करना क्या है? a sin थीटा प्लस वो b sin थीटा। वो मैंने मैथमेटिकली पूरा साइन कॉस कर दिया, इसमें साइन कॉस नहीं कर सकता क्योंकि सोर्सेज n है ना, उसमें तो 2 वेव ली गई थी, 2 इक्वेशन मैथ्स की बन गई। 2 लाख लूंगा तो 2 लाख इक्वेशन थोड़ा बनाऊंगा साइन कॉस की, तो ये मैथमेटिकली करना बहुत मुश्किल है। तो आपको इमेजिन करना है कि ऐसा होता होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे ठीक है एग्रीड, यहां से लाइट आई, यहां मिल गई मैक्सिमा, ठीक है लाइट आई, लाइट गिर गई, बात खत्म हो गई, ये मिनिमा कैसे आ गए? मिनिमा की स्टोरी समझो। हुआ क्या, ये एक मान लो एक स्लिट है, ये स्क्रीन है, इमेजिन करो फिर से ये वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है। अब एक वेव फ्रंट, कुछ वेव फ्रंट सीधा जाके यहां पे मिल गया था, अभी दिखाया मैंने केस। अब दूसरा वेव फ्रंट देखो कैसा हुआ, जो दूसरा वेव फ्रंट है, दूसरा वेव फ्रंट यहां से कॉर्नर से बेंड हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, क्योंकि लाइट का मुड़ना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अब लाइट का कुछ हिस्सा सीधा निकल गया, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, बात खत्म हो गई, पर कुछ टेढ़ा भी तो गया। जो वेव फ्रंट टेढ़ा हुआ, और मैं फिर से एक लेंस यहां पे लगाने की कोशिश करता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको, तो ये वेव फ्रंट इस एंगल में चल पड़ा। जब ये वेव इस एंगल में गई ऐसे, और मान लो यहां आके मिली, अब देखो क्या हुआ, बेंडिंग की वजह से, लाइट के मुड़ने की वजह से यहां की वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और यहां की वेव ने कम डिस्टेंस कवर किया। अब मैं कह नहीं सकता कि इस पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरा होगा या क्रेस्ट ट्रफ पे गिरा होगा या कैफे गिरा होगा, मुझे पता नहीं, पर यहां पर मैक्सिमा मिनिमा जनरेट हो सकता है क्योंकि लाइट का एक हिस्सा अपने ही लाइट के दूसरे हिस्से पे क्या कर गया, सुपर इम्पोज कर गया। और वो क्यों कर गया, क्योंकि लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। बेंड होने से नीचे की वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा और ऊपर की वेव को कम करना पड़ा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और सोचो अगर कोई वेव, फिर से अगर मैं सेम डायग्राम बनाऊं, और अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि कुछ कोई वेव फ्रंट मान लो नीचे भी तो गया होगा ऐसे, और अगर मैं लेंस बनाऊँ तो जो वेव फ्रंट नीचे गए ऐसे गया वो यहाँ पे आके मिला होगा। अब ऊपर की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे की वेव ने कम किया, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट कॉर्नर से क्या हो रही है, बेंड। और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो सारी गेम बेंडिंग की वजह से हो रही है। तो ऊपर और नीचे की लाइट को ज्यादा और कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जिस वजह से इंटरफेरेंस होती जा रही है। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? इसलिए स्क्रीन के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। समझ में आया ऐसा क्यों है? क्लियर है यहां तक? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट बेंड ना होती फिर तो मैक्सिमा ही मैक्सिमा था, बात ही खत्म, सीधी लाइट आ रही है सेंटर में मिलती, बात खत्म। पर इसलिए मैक्स मिनिमा भी जनरेट हो रहे हैं क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस लाइट कवर कर रही है। कोई डाउट है इसमें? इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसलिए मैक्सिमा मिनिमा जनरेट हो रहा है। तो पहला डिफरेंस YDSE में और डिफ्रैक्शन में, YDSE में 2 sources ऑफ लाइट हैं और डिफ्रैक्शन में n आइडेंटिकल sources ऑफ लाइट हैं, 2 नहीं बोलना n बोलना है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, जब YDSE का एक्सपेरिमेंट हुआ था YDSE, तो यहां पर क्या था, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट पर और बाकी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऐसी थी,
ग्राफ ऐसा बना था इंटेंसिटी का, मतलब जितनी लाइट सेंटर पे है उतनी लाइट फर्स्ट मैक्सिमा पे है, उतनी सेकंड मैक्सिमा पे बराबर लाइट है, पर YDSC में डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। हर पॉइंट पर YDSC में इंटेंसिटी ब्राइटनेस की बराबर ही बराबर है। अगर मान लो चार इंटरफेरेंस ब्राइटनेस बनी, चारों की चारों इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में पैटर्न ऐसा बनता है, जब लाइट गिरती है एक स्लिट में से यहां से निकल के सेंटर के ऊपर, तो बहुत लाइट गिरती है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट कहां पे गिरती है? सेंटर पे। हल्की सी लाइट बेंड हो जाती है ऊपर और नीचे, हल्की लाइट का मतलब इंटेंसिटी यहां पर बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, पर ऐसा थोड़ी ना है कि सारी लाइट 30 डिग्री पे बेंड हो गई, सामने कुछ गिरा ही नहीं। ऐसे होता है कभी? लेजर लाइट मारी, होल में से लाइट गई, और लाइट कहाँ गिर रही है? वो वहां लाइट यहाँ गिरी नहीं, थोड़ा ना होल में से मैक्सिमम लाइट सीधी गिरेगी, थोड़ी थोड़ी लाइट ऊपर गिरेगी, तो इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है जब आप ऊपर और नीचे जाते हो, YDSC में कमजोर नहीं होती। तो दो मेजर डिफरेंस बता रहा हूं, इनमें ऐसा पैटर्न दिखता है। क्लियर है यहां तक? तो YDSC और डिफ्रैक्शन में पहला अंतर तो यही है, दूसरा ये बता दिया। तो मैक्सिमम लाइट सेंटर पर गिरती है, देख रहे हो, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी देखो ना कम कम कमजोर होती जा रही है। तो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, दो साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था। पहली टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, दूसरी टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन है जिसमें सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पर पड़ा होता है? एट फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, मतलब दूरी फाइनाइट है। जैसे पॉइंट सोर्स स्लिट से मान लो 1 मीटर दूर है, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन है जब स्लिट के ऊपर स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं, कौन सा वेव फ्रंट गिरता है? प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि हम अपना एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? ओनली ऑन प्लेन वेव फ्रंट, हम स्फेरिकल पे नहीं करते। प्लेन वेव फ्रंट के साथ एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए उसे फ्रॉनहोफर बोलते हैं, और हमारे कोर्स में प्लेन वेव फ्रंट हैं, तो हम कौन से डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं? फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये आपको ऑपरेटर समझ में आएगा। ये स्लिट है, देख रहे हो, ये स्लिट है, ठीक, स्लिट काफी बड़ी बनी हुई है, ये स्लिट है। स्लिट की जो विड्थ होती है, याद रखना, वो कितनी है? वो ए है, स्लिट की विड्थ ए है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, जो वेव फ्रंट सीधा चला गया, सीधा चला गया, वो तो बहुत क्लियर है, जो वेव ऊपर से गई वही वेव नीचे से गई, और वही वेव यहां से आई, कोई वेव यहां से आई, तो ये तो पॉइंट हर हालत में क्या जनरेट होने वाला है? मैक्सिमा, YDSC में भी और डिफ्रैक्शन में भी, ये तो मैक्सिमा मैक्सिमा आना ही आना है। तो इसको डिस्कस करने का तो कोई फायदा है ही नहीं, हमने तो मिनिमम भी डिस्कस करना है। तो हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट कितने एंगल पे ले लिया? थीटा, ऐसे थीटा। अब जो वेव फ्रंट थीटा एंगल पे चला गया, तो नीचे वाली वेव को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा ऊपर वाली वेव से। कितना ज्यादा? अगर ये थीटा है, ये डिस्टेंस ए है, तो आप नोट कर सकते हो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस नीचे की वेव को ट्रेवल करना पड़ा, और ये डिस्टेंस है कितना? ए साइन थीटा। तो नीचे और ऊपर के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? अब पार्ट डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा। बिल्कुल YDSC की तरह ही, तो उसमें डी साइन थीटा, इसमें ए साइन थीटा। तो नीचे की वेव को ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ी ऊपर की वेव से, और कितनी ज्यादा? ए साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस है। आप ये सोच रहे होंगे, चलो ये लेंस तो समझ में आया, क्यों रखा? ताकि लाइट फोकस हो जाए। ये क्यों रखा? ये इसलिए रखा क्योंकि मेरे को वेव फ्रंट क्या चाहिए था? प्लेन। अब या तो मैं धूप में एक्सपेरिमेंट करूं नेचुरल लाइट पे या ट्यूब की, वो तो हो नहीं सकता, मुझे अंधेरा कर रहे, तो मेरे को एक सोर्स लेना पड़ा, पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की ये मुसीबत है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, और मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा चाहिए? प्लेन। तो मेरे को एक और लेंस लगाना पड़ा ताकि ये रेज को जाके बिल्कुल स्ट्रेट कर दे, और स्ट्रेट वेव कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करती है? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? तो और इस लेंस का कोई काम नहीं है, ऑपरेटर्स है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, एंटर करेगा, तो जो सीधा लाइट चली गई वो मैक्सिमा का पॉइंट है, जो एंगल पे चली गई, तो एंगल पे जाने का मतलब मैं कह नहीं सकता कि पी पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा या पी पॉइंट पर मिनिमा। इसके लिए कंडीशंस हैं, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस को फिर हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये कंडीशंस और एक्सपेरिमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो ये 15-20 मिनट का ज़्यादा नहीं है,
थ्योरी खत्म करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, अगली बार डिफ्रेक्शन पूरी क्लास में खत्म है, इससे ऊपर चलेगा नहीं, एक लेक्चर का काम है, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं।